हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। जैसा आप सब लोग जान रहे हो कि जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज चल रहा है। आपको 1, 2 और 3 के रीजनिंग के सॉल्यूशन मिल चुके हैं पेपर के। अब पेपर 4 जो है रीजनिंग का सेक्शन हम देखेंगे यहाँ पे। जो जो आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जैसे डाटा सफिशियंसी, कुछ कोडिंग डिकोडिंग जिसमें आपको लगाने में काफ़ी दिक्कत आई होगी, उस उसके सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। बाकी के जो सॉल्यूशन है पेपर में आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें लगा रहेगा। तो जिन जिन सॉल्यूशन का पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन नहीं है वो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला 61 रीजनिंग का टेस्ट 04 का सॉल्यूशन है। ये जो 61 क्वेश्चन है ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। इसमें बोला एक बस में यात्रा करने वाले व्यक्ति के समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, 15 हिंदी बोल सकते हैं, 6 लोग गुजराती बोल सकते हैं। उस समूह में कोई भी अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। यदि समूह में 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकते हैं तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? आपको टोटल व्यक्ति बताना है। तो आप 3 भाषाएं हैं, तीनों का एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लीजिए और तीनों में देखिए। पहले तो जो दिया कि 2 भाषाएं जो 2 व्यक्ति बोल सकते हैं यहाँ पे रख दीजिए, और 1 व्यक्ति 3 भाषा बोल सकता है, इन तीनों का इंटरसेक्शन पे रख दीजिए। अब उसके बाद से बोल रहा है कि इसमें 6 व्यक्ति तमिल वाले हैं, तो यहाँ ये तमिल का हो गया ये वाला सर्किल, और ये वाला सर्किल आपका किसका हो गया? हिंदी का। और नेक्स्ट जो है आपका ये जो हो गया आपका गुजराती का हो गया। 3 सर्किल हो गए। अब तीनों में देखो, तमिल में बोल रहा है कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो इसमें से 3 पहले हैं यहाँ पे, तो 3 बचे जो सिर्फ केवल तमिल बोलेंगे। उसके बाद से आपके हिंदी में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं, तो 3 यहाँ निकाल दो तो कितने बचेंगे आपके? 12 लोग केवल हिंदी बोलेंगे। और गुजराती में कितने? 6 लोग हैं, जिसमें से 1 लोग निकाल दो तो यहाँ पे 5 लोग सिर्फ गुजराती बोलेंगे। आप सबको सम कर दो, 3 + 2 = 1, 3 + 12 + 5 आपका कितना आ जाएगा? 23। ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डाइस सेम हूँ बहु, जैसे आपको पहले दूसरे और तीसरे पेपर में मिला होगा वैसे ही 62 भी है। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। इसमें 315 एक डाइस में दिया है, दूसरे डाइस में दिया है आपका 246, और बोला है क्वेश्चन में आपको कि 4 के ठीक विपरीत में 5 है। 4 के विपरीत में 5 है मतलब 5 यहाँ हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट वाले फेस पे, तो दोनों सरफेस कॉमन मिल गए। वहां से क्लॉकवाइज चलो तो 5 = 1 = 3 और यहाँ से 2। अब आपसे अपोजिट किसके पूछा है? आपसे पूछा 2 के ठीक विपरीत में क्या है? 3 होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका जो लोअर हुआ था उसमें आया था, मगर उसमें जो है क्वेश्चन जो था गलत था। इस क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, जो इसको मैंने सही करके दिया है कि क्वेश्चन कैसे हो सकता था, कैसे बनना चाहिए था, ताकि जो आयोग आंसर लगाया हो कि वही सेम आंसर आए। जैसे क्वेश्चन दिया है, जॉन बिंदु ए से बिंदु बी पे पहुंचने के लिए पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ए से बी तक पहुंचना है किसको? जॉन को। ठीक है, तो मान लो ये बिंदु ए है, ए से बी पे पहुंचने के लिए वो पहले पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। पूरब की तरफ 12 किलोमीटर चला, फिर यहां से बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मतलब इधर, ठीक, और बाएं मुड़ा, कितना चला? 5 किलोमीटर चला। तब वो कहाँ पहुंच गया? बी बिंदु पे पहुंच गया। अगला है कि जॉर्ज भी बिंदु ए से चलता है, एक चलता है सी पर पहुंचने के लिए, कोई अलग बिंदु है जो सी है वहां पे पहुंचने के लिए, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, मतलब यहां से 3 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ जाएगा, ठीक है, और 3 किलोमीटर दक्षिण जाने के बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर जाता है, और यहां से बाएं मुड़ेगा तो बाएं यहां से 18 मतलब 12 ये और 6 और, तो टोटल 18 होगा ये डिस्टेंस, और ये हो गया सी पॉइंट। तो अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में बिंदु बी और सी के बीच के न्यूनतम दूरी कितनी है? बी और सी की न्यूनतम दूरी मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप इसको मिला दीजिए, पाइथागोरस लगा दो। आपको पता है ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये 12 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका? 6, और ये कितना होगा आपका? टोटल ये 5 है और ये 3 है, तो ये टोटल 8 हो जाएगा ये हाइट आपकी, तो कितना हो जाएगा ये? 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 64 + 36 अंडर रूट में, मतलब अंडर रूट में 100, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इसका सी इसका सही होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 आपका जो है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कथन में दिया है मेरी कक्षा में सभी छात्र उज्ज्वल हैं, मनीष उज्ज्वल नहीं है। अब आपको बताना है कि जो निष्कर्ष दिया है कौन सा पहला है। जैसे पहला ऑप्शन है ए, कुछ छात्र उज्ज्वल नहीं है, ठीक है, इसमें बोला है कि
किसी और उसका नहीं लिया गया है। इसमें बोला कि मेरी कक्षा में सभी छात्र उज्ज्वल हैं, तो इसमें बोला कुछ छात्र उज्ज्वल हैं तो पहले गलत हो जाएगा। मनीष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसका कहीं जिक्र नहीं है। मनीष को मेहनत करना है चाहे नहीं, कम करना है चाहे ज्यादा करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा, क्योंकि मनीष मेरे कक्षा का छात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेरी कक्षा में सभी छात्र क्या है, उज्ज्वल है। अगर मनीष उसी कक्षा का छात्र होता तो वो भी उज्ज्वल होता, इसीलिए मनीष किसी और कक्षा का छात्र है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 64 का। 65 में आते हैं, ये भी कथन निष्कर्ष है। इसमें बोला है कि कथन है कि डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद रमेश जो कि मधुमेह का रोगी, उसने अपने मित्र के विवाह के अवसर पर आइसक्रीम खाई। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया है कि कौन सा निष्कर्ष जो होगा सही नहीं है उसके लिए। जैसे बोला मित्र रमेश को अधिक पसंद नहीं करता, ऐसा कुछ ऐसा इसमें दिया नहीं है। डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर उसे कौन चेतावनी दे रहा है, क्योंकि उसे शुगर का, वो डायबिटीज का मरीज है, तो उसे आइसक्रीम करने खाने के लिए मना कर रहा है। तो सी जो ऑप्शन, आइसक्रीम रमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, मतलब वो शुगर का डायबिटीज का मरीज है, इसलिए उसके लिए आइसक्रीम अच्छी नहीं, इसलिए डॉक्टर जो है उसे चेतावनी दे रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला 66 पे आते हैं, इसमें भी कथन और दो कार्रवाइयां हैं। ठीक है, इसमें कथन है कि गर्मियों के दौरान प्रदूषित पानी पीने से हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, तो इस पे क्या होना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। तो इसमें लिखा है पहला कि सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, जरूरी है, अगर पानी के कारण काफी रोग हो रहे हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए, पानी की जो व्यवस्था है उसको सही करना चाहिए। सेकंड है, लोगों को प्रदूषित पानी के पीने के खतरे के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, दोनों सही है, मतलब दोनों कार्रवाइयां सरकार को इसके कथन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 67 क्वेश्चन पे, नमक से अगर उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर होता है आपका सॉल्ट खाने से, तो चीनी से क्या होगा, आपका मधुमेह होगा, डायबिटीज होगा। ऑप्शन ए सही होगा 67 का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 68 एनालॉजी से क्वेश्चन है। 68 बोला है 24 रिलेटेड है 60 से, उसी तरह 210 किससे रिलेटेड होगा। तो अगर हम इसे देखें तो 24 और 60 ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 25 का माइनस 1 तो यहाँ 24 हो जाएगा, और ये आपका किस ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 24 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है 64 है, तो 64 क्या होता है 4 का, सॉरी ये जो 24 है स्क्वायर पे 5 का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 4 का होएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आप जब देखोगे इसे तो 3 के उस पे चलते हैं, 3 के क्यूब पे, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 माइनस ही 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 24। ठीक, अगले उस पे बढ़ते हैं, 60 है, 60 मतलब 3 के बाद 4 का क्यूब करें तो 64, और इसमें से ही 4 माइनस कर दें जिसका क्यूब करना है तो 60 आ जाएगा। उसी हिसाब से ये 210 है, मतलब 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 216 माइनस 6 210। उसी हिसाब से 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, इसमें से 7 माइनस कर दोगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 336 आ जाएगा। तो ये चल रहा है आपका कि उसी का लेटर का क्यूब करना है, उसमें से उतना ही नंबर माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला 69 कोडिंग डिकोडिंग से है, इसमें कुछ आपका थोड़ा मिसप्रिंट था पेपर में, इसमें था डी ए आर टी एच डब्ल्यू वाई, इस वाले में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसका जो कोड था जैसे डी 1 आर टी का 20 एच डब्ल्यू का 23 एंड वाई होना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट होके आपका दो दो वैल्यू आ गई थी, 23 वाई भी था, तो इसलिए इसको ये क्वेश्चन इसका सही होगा। अगला तो इसी से सेम था कि मुंबई का कोड क्या है, मुंबई का कोड है इसमें M21M2A9, हुबहू ऐसा ही है ये भी दोनों। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, देखिए जो है डी ऐसे ही से उतर गया, ए का जो है प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, आर भी वैसे, फिर प्लेस वैल्यू, फिर एच उतार दिया गया है, फिर प्लेस वैल्यू, फिर वाई को उतार दिया गया है, मतलब एक को पहले सेम टू सेम रखा गया है, फिर उसके बाद उसकी अगले वाले की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो आपसे पूछ रहा है क्लोरीन की कोड क्या होगा, तो सिंपल है, सी को ऐसे उतार दो, एल का है 12 पे, ओ उसे उतार दो, आर कितने पे आता है 18 पे, आई ऐसे उतार दो, एन कितने पे आता है 14 पे, और ई उतार दो ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा C12O18 I14 एंड E। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, 17 है क्वेश्चन, बोला बब्लू डब्लू भाई है,
कोई बबलू है और एक डब्लू है, दोनों क्या है, भाई है। बबलू डब्लू का भाई है, इसका जेंडर बोल दिया क्लियर है। बबलू जो है डब्लू का भाई है, मनु बबलू की बहन है, जो है मनु जो है एक कोई मनु है वो किसकी, बबलू की बहन है, और काम्या मनु की माँ है। काम्या जो है मनु की माँ है, राहुल काम्या का पति है, राहुल जो है काम्या का पति है। ये डायग्राम बन गया। अब पूछ रहा है आपका डब्लू राहुल से किस प्रकार संबंधित है। अब इसका पूछ रहा है, इसका तो आपका जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस और माइनस ठीक है कुछ भी हो सकता है। तो राहुल का ये क्या हो सकता है, पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है सिलॉक्स का, चलिए इसको देख लेते हैं। कुछ बिल्ली चट्टाने हैं कुछ बिल्ली जो हैं वो क्या है, चट्टाने हैं, उसके बाद से सभी बिल्ली कलम है, सभी बिल्ली क्या है, कलम है। अगला क्या है, 71 क्वेश्चन है। कोई कलम पुस्तक नहीं है, कोई कलम पुस्तक नहीं है, इसके कलम और पुस्तक के बीच में नो का रिलेशन है। पहला आपका बोला है निष्कर्ष, कोई चट्टान पुस्तक नहीं है, कोई चट्टान पुस्तक नहीं है, चट्टान पुस्तक हो सकता है ठीक, ये बन सकता है, इसलिए पहला वाला आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सेकेंड आपका है सभी चट्टानों के कलम होने की संभावना है, सभी चट्टानों के कलम होने की संभावना, हाँ ये हो सकता है, ये कलम जो है ऐसे इसे चट्टान को घेर सकता है, तो सभी चट्टाने कलम हो सकती हैं, तो ये आपका हो सकता है। तो आपका सेकेंड जो है निष्कर्ष फॉलो करेगा, तो आप ऑप्शन क्या होगा, बी जो होगा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 अल्फाबेटिक सीरीज है, आसान सी सीरीज है, आपको बता दे रहे हैं METS, फिर SUFN, अगला है NGVT, TWHO, OI, XU, UY, JP, और अगला पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो आप देखिए ये कहाँ से, S आपका सेम हूबहू है, N इसमें सेम हूबहू है, T इसमें सेम हूबहू है, O यहाँ सही है, यू यू ऐसे है, तो पी से मतलब पी से शुरुआत होगा ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, एस टी के बाद यू एक प्लस हुआ, ई के बाद एफ एक प्लस हुआ, एम के बाद एन प्लस वन हुआ, वैसे सेम एफ के बाद जी प्लस वन, यू के बाद वी प्लस वन, एस के बाद टी प्लस वन, मतलब लास्ट वाला लेटर अगले का सेम है, बाकी सब में प्लस होता चल रहा है। तो वैसे हम करेंगे तो पी यहाँ हो जाएगा, जे से के, Y से Z, U से V, तो PKZV आपका नेक्स्ट होगा, जो ऑप्शन किस में है, B में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 ये भी सीरीज का है 73, इसे देख लेते हैं, आसान सा है, B2CD। अगला पूछ रहा है क्या होगा, ये ब्लैंक है, उसके बाद BCD4 लिखा है, इसका मतलब BC यहाँ पे पहले लेटर वर्ड आपका डिजिट आया है, अब अगला डिजिट यहाँ आएगा तभी लास्ट डिजिट यहाँ पे आएगा, तो BC3D हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो सीरीज का क्वेश्चन है 74 35 50 63 82 99, आपको इसमें सीरीज पहचाननी है, तो इसमें दो सीरीज चल रही है, पहले और फर्स्ट टर्म और सेकंड को छोड़ के थर्ड टर्म एक से रिलेटेड है, जैसे +28 हो रहा है इसमें, और इस वाले में आपका कितना हो रहा है, 36 हो रहा है ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम चलें इनके इनके बीच में 36 और 38 कितने का डिफरेंस है, आपका 2, 6, 2, 8, टोटल 8 का डिफरेंस है। ऐसे ही 50 से 82 कितने का डिफरेंस चल रहा है, 32 का, और 32 से 8 का डिफरेंस हम लेंगे, यहाँ पे प्लस 8 करेंगे तो मतलब 40 के डिफरेंस पे क्या आ जाएगा आपका, तो वो आ जाएगा 122 ठीक है 82 पे आपका 40 के डिफरेंस पे ले लेंगे, तो 2, 8, 4, 12 ठीक, तो 122 आपका आंसर आ जाएगा इसका, जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 75, आपका ये PDF में सॉल्यूशन दिया गया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 76 पे, चलिए 76 को देख लेते हैं एक बार। इसमें PQRST दिया हुआ है,
इसमें आपका जो है अरेंज करना है, रैंकिंग और ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है। पहला कथन बोला डाटा सफिशियंसी है एक तरह से, उसमें रैंकिंग और ऑर्डरिंग पूछ रहा है आपसे। कथन में दिया है कि प्रश्न दिया पी क्यू आर एस टी में कौन सा सबसे हल्का है। इसमें है कथन पहला, पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है 76 में कि आर क्यू और टी से भारी है। आर जो है किससे भारी है, क्यू से भी भारी है और टी से भी भारी है, लेकिन एस से हल्का है, एस से हल्का है, ठीक है। आर जो है एस से हल्का है, दोनों में हो जाएगा। अब अगला है एस सबसे भारी नहीं है, मतलब एस जो है सबसे भारी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका ये बोला है एस सबसे भारी नहीं है, इसका मतलब आपके थे क्या पी क्यू आर एस टी, तो आपके रेंज एस आर टी हो चुके हैं, तो एस आर टी और क्यू भी यहाँ हो चुका, बचा पी, तो सबसे भारी तो पी ही होगा, उसके बाद एस, उसके बाद आर, उसके बाद टी और क्यू में आपका होना पड़ेगा कि टी क्यू क्या क्यू से बड़ा है नहीं है, ये कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए पता नहीं चल पाएगा कि ये टी क्यू बराबर है या क्यों सा, इसमें क्यू टी से बड़ा है या टी क्यू से बड़ा है, इसलिए हम सबसे हल्का नहीं बता सकते। इसलिए हमें कहेंगे ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक। हो सकता था टी बड़ा हो क्यू से, हो सकता था क्यू बड़ा हो टी से, या दोनों बराबर हो, ये भी हो सकता था। आपके तीन कंडीशन होते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट आंसर हम नहीं बता पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 77 में आपका क्या प्रश्न का उत्तर देने कौन सा कथन पर्याप्त है, ये भी डाटा सफिशियंसी है। आपको कौन बताना है आपके किससे आपका आंसर निकल सकता है, ब्लड रिलेशन रिलेटेड है क्वेश्चन। 77 को देख लेते हैं एक बार, टी के से किस प्रकार संबंधित है। पहला कथन बोल रहा है आपका कि के दो बेटे हैं, के है इसके दो बेटे हैं, ठीक, दो बेटे मैंने बना दिया, बेटे में से एक ए है, तो एक ए। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला जो स्टेटमेंट है सेकेंड, इसमें बोला जा रहा है टी की माँ के केवल दो बेटे हैं, जो टी की माँ है के केवल दो बेटे हैं, मतलब टी कोई हो गए उसके सिर्फ केवल दो बेटे होंगे, तो दो बेटे केवल दो बेटे मतलब उससे दो से ज्यादा नहीं होंगे, इसका मतलब टी का जेंडर क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस होंगे, और टी के माँ के केवल दो बेटे हैं जिसमें से एक ए है और एक बी है, मतलब एक तो ये ए होगा एक बी होगा, तो टी की माँ जो हो गई वो कौन होगी, यहाँ पे होगी कोई माँ इनकी, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ का पेयर होगा। तो अब इसमें आपका बताना होगा कि इसमें कि कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जैसे बोला कि टी का के से क्या संबंध है, टी का के से क्या संबंध है, तो इससे आपका पता चल जाएगा कि टी का के से क्या संबंध है। ये तो इस टी की माँ हो गई, ये तो फादर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे ये आपका पता चल गया कि आपका रिलेशन पूरी तरह से पता चल गया कि इसमें टी का के से क्या संबंध है, के जो है टी की क्या हो गई, माँ हो गई। तो इसलिए दोनों हमारे जो क्या है उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, दोनों स्टेटमेंट। अगले हैं 78, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। फिर से आपका वही डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त पैरामीटर बताइए, जो सर्कल है उसका आपका पैरामीटर बताना है। एक वर्ग है मतलब आपका स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल जो एरिया होगा वह किसके सर्कल के एरिया के बराबर है, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब इसमें बोल रहा है कि आपसे प्रश्न में, और क्या पता करना है आपको, पता करना है सर्कल का पेरीमीटर, ये आपको पता करना है। तो आपको दो कथन दिए कि किससे पता हो सकता है। पहला कथन बोल रहा है वर्ग के विकर्ण 8 इंच है, मतलब जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है ये 8 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, अंडर रूट 2a बराबर 8 हो जाएगा। आपका जो ये जो होता है डायगोनल जो होता है कितने का होता है, अंडर रूट 2a होता है, a स्क्वायर ये a हो गया, ये a हो गया, तो ये कितना आएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यही तो डायगोनल का होगा, तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 2a हो जाएगा d, तो यही आपका रूट 2a अपॉन d आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 8 अपॉन रूट 2, तो इसका स्क्वायर तो एरिया आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया सर्किल का एरिया बराबर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और सर्किल का एरिया पाई, ठीक। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी, तो वहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से पता चल जाएगी, जब आर की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे सर्किल का पेरीमीटर निकाल लेंगे 2 पाई आर पे रख के, आंसर आ जाएगा हमारा।
पहले कथन से। सेकंड कथन क्या बोल रहा है कि वर्ग की भुजा 12 इंच है। सेकंड में तो आपको वर्ग जो है स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर की जो एक साइड है वो दे दिया 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ लिख दो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर आपका जो है पता चल जाएगा 144 अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपॉन रूट पाई। ठीक, तो यहाँ से आर की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 2 पाई आर हमें पता चल जाएगा। तो मतलब दोनों से हमें पेरीमीटर निकल जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं या तो पहला या तो दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों नहीं कि इसका और इसका यूज दोनों नहीं करेंगे, हम कहेंगे या तो पहले से आंसर आ सकता है या तो दूसरे से आंसर आ सकता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि इसमें ऑड वन आउट 79 असंगत पद चुनिए। जैसे इसमें है सेड MAD मेड रोड और DOST डोस। अब इसमें आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है इसमें से। इसमें देखिए दो वॉवेल है, इसमें भी दो वॉवेल, इसमें भी दो वॉवेल, मगर इसमें नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 580 12IC 19QL 26YU। अगला आपसे पूछ रहा है, इसमें आप जान लें कि क्या चल रहा है, पाँच से 12 प्लस 7 हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है, 12 7 19, 9 7 16 26 प्लस 7 हो रहा है, ऐसे A से I ये क्या हो रहा है प्लस 8 हो रहा है, I से Q प्लस 8 हो रहा है, फिर प्लस 8 हो रहा है, तो ऐसे ही प्लस 8 जाएगा, पहले प्लस 7 जाएगा तो नंबर वाली वैल्यू आएगी, और प्लस 8 जाएगा, फिर इस वाले में T से C प्लस 9, वैसे ही C से L प्लस 9 और L से U प्लस 9, तो U से अगला वाला प्लस 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो आएगा 33 GD आएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले में आते हैं 81 जो आपका है कोडिंग डिकोडिंग MENT को लिखा है LCKP को। ठीक, तो इसमें कैसे हुआ, M से L माइनस एक, ये 13 पे होता है, 5 पे, 14 पे, 20 पे, ये 12, 3, 11, 16, यहाँ से ये ई 5 से 3 हुआ तो माइनस 2, 14 हुआ तो माइनस 3, यहाँ से माइनस 4। ठीक, तो एक माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार चला, उसी हिसाब से आपको बताना कि HAIR का कोड क्या होगा, सेम प्रोसीजर चलेगा, तो इसका कोड होगा GYFN, ये आंसर होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन आसान सा था आपका, वो कर लिए होंगे सिंप्लीफिकेशन था, साइन चेंज करने डायग्राम का क्वेश्चन था, वो भी आसान था। नेक्स्ट 84 पे आते हैं, इसमें बोला निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द कौन सा, जापान, नेपाल, फ्रांस और चीन। इसमें आप सभी लोग कर लिए होंगे कि फ्रांस जो यूरोपियन कंट्री है, बाकी जो है एशियन में है, तो ये आपका फ्रांस ऑड वन आउट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित सूची में से भिन्न चयन करें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिकार, पुष्कर। इसमें आपका छतरपुर जो होगा अलग होगा, बाकी सब राजस्थान के शहर हैं। चलिए 86 क्वेश्चन देखते हैं, आपका डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आपका सॉल्यूशन PDF में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। 87 पे बढ़ते हैं, 87 में बोला है ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है 87, चलिए देख लेते हैं। बोला सीमा का छोटा भाई सोहन है, सीमा का छोटा भाई सोहन है 87 है, सीता की आयु, छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, ये जो है सोहन जो है किससे बड़ा है, सीता से आयु में बड़ा है। अगला है श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से, श्वेता जो है दीप्ति से, श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, सीमा से बड़ी है मतलब यहाँ सीमा हो जाएगा, तो सीमा, सोहन और सीता आपका ये बन जाएगा ऑर्डर। तो इसमें आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी कौन है, तो दीप्ति हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 सीरीज से है, 88 GTIR KPMN। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि अगला क्या होगा, अगला टर्म्स क्या होंगे। तो यहां से देखिए जी से आई, जी के बाद एच आई प्लस टू, आई से के प्लस टू,
9 के बाद 10 11, 11 के बाद 12 13 प्लस 2, 13 के बाद प्लस 2 तो 15, मतलब ओ आएगा। तो आपका ऑप्शन दो है ए और बी। अगले पे देख लेते हैं, टी से आर, 20 से 18 माइनस 2, 18 से 16 माइनस 2, 16 से 14 माइनस 2, 14 से माइनस 2 जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 12 पे। तो ओ एल जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पे हैं, आपको बताना था नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे फिगर में। फिगर आपका कुछ ऐसा है, मैंने काउंटिंग फिगर में आपको बताया है कि ऐसा कुछ भी आ जाए आपके पास जो है डायग्राम, तो इसको कैसे काउंट करते हैं, सबकी नंबरिंग कर देते हैं और जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, तो 12 इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। ठीक है, आप काउंटिंग फिगर का लेक्चर देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर लास्ट 90। इसमें बोला है कि आपका कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए जिन्हें तीन अक्षरों में पांच शब्दों पर आधारित है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार इन्हें आप क्रमबद्ध करने के बाद कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे। तो आपका इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका रहा टेस्ट 04 का पूरा सॉल्यूशन। अब हम आपसे मिलेंगे टेस्ट 05 में। धन्यवाद।